आप एक नए सिटी में है, अगर नई जगह पे है, अगर आपको वहाँ पर कोई होस्ट मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, और स्पेशली हम लोग वैसे टेंट लगाते थे और आज हमें रहने के लिए घर मिल गया, तो कितनी खुशी वाली बात है। तो स्पेशली इस सारा जो कहते हैं ना कि ये सारा जो सारा क्रेडिट है ये जाता है एक मेरे फ्रेंड को। सो हाय, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। तो क्या हाल चाल? तो भाई साहब, मैं पहुंच गया हूँ नए गाँव। असम के अंदर एक जगह है, छोटी सी सिटी है, टाउन है, जगह है, उस जगह का नाम है नए गाँव। तो आज से तकरीबन 6 से 7 महीने पहले मेरी उनसे बात हुई थी बिहाफ ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पर वो भी एक क्रिएटर है, तो वहाँ पर बात हुई। फिर उसके बाद जब मैं नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करा तो वो मुझे मैसेज करे कि बोले दीपक, अगर आप मेरे यहाँ आ सकते हैं, नौगांव आ सकते हो तो आ जाओ। तो भाई साहब, फाइनली मैं आ गया नौगांव और मैं उनसे जल्दी मिलाता हूँ। ये देखिए, तो ये है वो जनाब। तो जनाब के बारे में मैंने जैसे बता दिया, जनाब खुद भी अपने बारे में थोड़ा सा बता देंगे। मेरा नाम अलकेश देखा है, मैं अभी नौगांव में हूँ, जैसे मेरा घर नलबारी में है। और भाई से मिलने का मतलब बात करने का 1 साल हो गया मेरे व्हाट्सएप, तकरीबन 1 ईयर हो गया। और स्पेशली हम लोग बात कर रहे थे, टॉपिक लगी कि भाई खुद एक यूट्यूबर है, बहुत बड़े यूट्यूबर है, बहुत बड़े। तो मैं इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। असम के बारे में और नॉर्थ ईस्ट के बारे में जानना है, यहाँ का लोगों का लाइफस्टाइल वगैरह क्या क्या है यहाँ पे, सब कुछ जानना है तो मेरा चैनल आप देख लीजिए। बिल्कुल, इनके चैनल चेक करना भाई, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा। और भाई को मैं कुछ देना चाहता हूँ, असम में आया, कुछ नहीं दिया तो क्या होगा? तो ये माय गॉड, ये असमी गामोसा तो मैं अपने भाई को दे रहा हूँ। असम एक सम्मान है, छोटा सा गिफ्ट है मेरी तरफ से। ये एक्चुअली ना, ये मेरे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है भाई, बहुत बड़ा। थैंक यू सो मच। तो अभी हम लोग चलते हैं महामृत्युंजय मंदिर। ये वर्ल्ड का नंबर वन सबसे बड़ा शिवलिंग है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग। तो भाई साहब देखो, पता है क्या, अगर लोकल्स के साथ रहते हैं, अगर लोकल से मिलते हैं ना, तो उनसे बहुत कुछ जानने को मिलता है। स्पेशली अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ से मार्केट एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। बट भाई साहब हमें बता रहे कि हमें एक ऐसी जगह पर लेके जाएंगे जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा शिवलिंग है। उस जगह का नाम क्या है? महामृत्युंजय मंदिर। तो आज हम जाने वाले हैं महामृत्युंजय मंदिर जनाब के साथ। तो चले भाई, चले, लेट्स गो। रास्ते में हम लोग जा रहे थे महामृत्युंजय, यहाँ पर हमें मिल गया नुमार नक्श, जो कि अभी अरे इसको बाहर निकाल ले, तो इसको बाहर निकाल के बोलता हूँ, क्या पता कुछ सुना ही ना हो। तो गाइस, हम फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंच गए हैं जहां से महामृत्युंजय का जो शिवलिंग है ना, बिल्कुल सामने दिख रहा है। तो मैं यहां से ना एक बार जूम कर लेता हूं, फिर वहां तो जाना ही है, मैं क्या यहीं से दिख गया तो एक बार जूम करके मैं दिखाता हूं आप लोगों को। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। तो भाई साहब, हम फाइनली पहुंच चुके हैं महामृत्युंजय, जैसे कि आप हमारे पीछे मेरे पीछे देख रहे हो आप लोग। और यहाँ पर अलकेश भाई यहाँ पर पर्ची कटवा रहे हैं। हो गया भाई, फोर 4139 हो गया, दूसरा वाला होगा ना, दो है वाला। तो भाई यहाँ पर पर्ची कटवा रहे हैं बाइक का, ये वाली पार्किंग है।
तो यहाँ पर ना आपको बहुत सारी पार्किंग भी मिल जाएगी, मतलब आगे भी पार्किंग थी, यहाँ पर भी पार्किंग है, उधर पीछे भी पार्किंग है। बाकी यार खुशी हो रही है यार यहाँ पर आके, मतलब मैं इतनी जगह गया हूँ ना, मतलब इतने सारे मंदिर में घूम के आया हूँ, टेम्पल जाता हूँ, पर जो भोले बाबा की दर्शन करने जो आते हैं ना, मतलब उस खुशी का अलग ही अंदाज रहता है। बाकी मैं ले चलता हूँ आपको एकदम पास में। तो भाई फाइनली हम लोग पहुँच गए महामृत्युंजय टेम्पल के सामने, बिल्कुल मेरे पीछे आप लोग जैसे देख रहे हो, बिल्कुल सामने मेरा टेम्पल है। और इस जगह के बारे में बता दूं आपको कि अगर बिल्कुल नीचे से अगर ऊपर की हम ऊंचाई की बात करें तो पूरा है 152 फुट, और सिर्फ और शिवलिंग की बात करें तो वो है 126 फुट। वैसे तो यहाँ पर कहा जाता है कि संडे को और मंडे को यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज़्यादा होती है, क्योंकि सभी लोग फ्री होते हैं, और मंडे के दिन क्या है कि भगवान भोले की पूजा वो करते हैं लोग, तो इसलिए यहाँ पर भीड़ कुछ ज़्यादा ही होता है। और जो गेट आज जो खुलेगा ना, जो मेन गेट अभी बंद हुआ पड़ा है, जो मेन गेट है वो संडे को, स्पेशली संडे को 10 बजे बंद हो जाता है और 3 बजे ओपन होता है, तो गेट अभी बंद है। बाकी जब खुलेगा तो हम मंदिर के अंदर चलेंगे। वैसे इस जगह के बारे में कहा जाता है कि 2003 में इसकी मूर्ति का जो बनना निर्माण स्टार्ट हुआ था, और 2021 में आके ये कंप्लीट हुआ। तो कई जो मेरे पीछे आप महाराज को देख रहे हैं, इनका नाम है आचार्य भृगुगिरी महाराज, और ये स्पेशली इस जगह को इसलिए चुना क्योंकि इस जगह पे, जिस जगह पे ये प्रतिमा बनी, जिस जगह पे ये मूर्ति बना हुआ है, इस जगह पे गुरु शुक्राचार्य महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण किया करते थे, इसलिए स्पेशली इसी जगह को चुना गया है। और रही बात तो इस मंदिर के जो निर्माण कार्य स्टार्ट हुआ था 2003 में स्टार्ट हुआ, और ये कंप्लीट हुआ था 2021 में, 25 फरवरी 2021 को ये कंप्लीट हो गया। अब इस जब इस मंदिर को कंप्लीट कर लिया गया तो 22 फरवरी को इसमें पूजा आरंभ किया गया, और 25 फरवरी को वो कंप्लीट हुआ 2021 में, और 26 फरवरी को ये सभी के लिए खोल दिया, ओपन कर दिया गया, और तब से लेके अब तक ये ओपन ही है। अगर एशिया का सबसे बड़ा शिव की प्रतिमा देखना चाहते हैं तो वो है असम के नगाँव में। तो इस जगह पे आने के लिए आप नगाँव स्टेशन पे आए, वहाँ से 20 किलोमीटर है और वहाँ यहाँ आ सकते हैं। सर मैं हूँ मंदिर के सबसे ऊपर वाले किनारे पे, बाकी इतना धूप है कि मेरा पैर गर्म हो गया, पैर जलना स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर मंदिर का दरवाज़ा खुल चुका है, तो मैं सोच रहा हूँ चल के आप लोगों को दर्शन करवा ही दिया जाए। बाकी ये देखो फोटो खींचना माना है। तो भाई यहाँ से मंदिर के अंदर जाने का जगह है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। बाकी यहाँ पर मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, तो मैंने कैमरा बंद कर दिया यार। इस मंदिर की एक खास बात यह है कि यहाँ पर पहले महाराज शुक्राचार्य ने यहाँ अश्वमेध यज्ञ किया था, आई थिंक सो, तो उसी जगह पे इस मंदिर को स्थापित किया गया है, इतना मैं श्योर नहीं हूँ, बट हाँ ये कहा यही जा रहा है। कहा जाता है कि जब ये मंदिर तैयार हो गया था तो यहाँ पर 250 पुजारियों को बुलाया गया था तमिलनाडु से यज्ञ करवाने के लिए। तो जनाब 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद
हम लोगों का दर्शन हो गया और हम लोग अभी यहाँ पर आके बैठे हुए हैं। वो जनाब वहाँ बैठे हैं, ये भाई यहाँ बैठे हैं। बाकी यार काफ़ी मुशक्कत करना पड़ा, भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो जनाब हम टेम्पल से निकल के थोड़ा सा आगे आ गए थे, क्योंकि बात ऐसा है कि सुबह से गए गए तकरीबन 2:30 बज गया और हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है। तो अभी हम लोग पहले यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ से चलेंगे, आराम करेंगे। भाई आराम से जाके वहाँ पे बैठा, देखो क्यों लगी है भूख फिर। ये तुम्हारे लिए और ये तुम्हारे भाई के लिए। फीवर्स को भी पीना चाहिए भाई, लोग पीना है ना तो आ जाओ। तो काफी तेज की भूख लगी यार, और जल्दी जल्दी बस खाना खाएं और फिर यहाँ से आगे चलते हैं। तो भाई हम लोग फाइनली बैठ ही गए थे यहाँ पर, खाना वाना आ चुका है और ये दोनों जनाब लोग चावल मंगाए थे और मैं रोटी मंगाया था। तो भाई खाना आ गया, खाना स्टार्ट करोगे ना। चिकन है, चावल, दाल, सब्जी। इंतजार नहीं हो रहा भाई, आप लोग भी कर लो। अच्छा तो भाई हम लोग मंदिर से आ गए थे, वापस आ गया था। और मैंने क्या किया था कि जितने भी मेरे कपड़े गंदे थे ना, सारा का सारा मैंने धो के यहाँ पे डाल दिया। बाकी पता है जिस घर में है ना, उसके पीछे इतना सारा जगह है, एकदम हरा हरा, हरियाली, पपीता लगा हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि कपड़े उठा के रख लिया जाए, क्योंकि शाम हो गया। तो ठीक है भाई, आज की इस वीडियो के यहीं पर करते हैं समाप्त, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और आप रखिए अपना ध्यान। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करके जाना यार। बाकी ना कमेंट तो पक्का किया करो, उसने मुझे खुद को मालूम चला करेगा कि यार मेरी गलतियाँ कहाँ पर हो रही हैं, समझे।